विश्वास तृतीय कक्षा का आठ पाठ कान का शिक्षक गुरंधर बाट हरिवंश लेखक रविवंश हरिवंश बाट ने लिखे है क्या ये कहानी में बंदर बाट। तो मैं ये बंदर बाट कहानी को पहले पाठन करती हूँ बच्चे। तो कौन लिखा ये उसे राज। तो ये कहानी को मैं पहले पाठन करती हूँ। दान खुली जगह कोई बड़ा कमरा पात्र एक बंदर और दो बिल्लियाँ। रात आठ बरस का लड़का बंदर और पाँच छः बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती है। बंदर के लिए पोशाक और या कमर में मूछ निकाल कर भागा जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह पर तो बिल्लियों के लिए पोशाक काली कपड़े सलवार कमीजे दुपट्टे कमरे पूछ निकालने के लिए बांधे जा सकते। मुंह पर लगाने के लिए सफेद बिल्लियों के सिर पर आँखों और मुंह पर जगह जगह पर खोद किसके रहता है। सम्मान एक बेच बड़ा बेच पस बड़ी चंदर रोटी एक टुकड़ा एक छोटी बाबू। पहला दृश्य कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज पर पड़ा है जो अपने ढका। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याँ में आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और भाई अब सफ़ेद बिल्ली आवाज करती है। काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली बिल्ली बहन नमस्ते नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली अच्छी तो हो सफ़ेद बिल्ली अच्छी क्या हूँ भूखी हूँ। काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ सफ़ेद बिल्ली खाने के लिए कुछ टूट रही हो। काली बिल्ली उस खोज में मैं ही निकली हूँ सफ़ेद बिल्ली मुझे बड़ा कोठी की आती है। काली बिल्ली हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली रखी मेज पर ही वो रोटी लग कोई आ ना जाए तो काली बिल्ली तू डर में तो ले ली। काली बिल्ली लपकती और रोटी लेकर सामने लगती। सफ़ेद बिल्ली ठहर कहाँ भाग जाती है रोटी लेकर रोटी मेरी। काली बिल्ली रोटी तेरी कैसे तेरी रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली मैं देखती तो तू जाती। काली बिल्ली अच्छा क्या मैं खुद नहीं देखती क्या मेरी दो आंखें नहीं है। बिल्ली डरती है उस तो जाने तो जा डर को कहीं नहीं बढ़ती। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहते रोटी कहते दो रोटी मेरी मैं ले जाने तुझे नहीं दूंगा। काली बिल्ली देख रहा है ऐसे मेरी हर जा ले जाऊंगा मुझे ना दूंगा। सफ़ेद बिल्ली देखू कैसे ले जाती है जो पहले देखा था उसका ही रोटी है। काली बिल्ली पहले दौड़ दौड़ के ले पहले साफ रख रोटी पर पहला हाथ मेरा। सफ़ेद बिल्ली मैं कहता हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली मैं कहता हूँ रोटी मेरी दोनों झगड़ती है रोटी मेरी कहकर दूसरे घर को आती है। अंदर का पास बंदर क्या तुम दोनों झगड़ रही हो तुम कहते हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से तुम कहते हो रोटी मेरी काली बिल्ली से रोटी किसको भेज सकता हूँ फैसला करूँगा। चलो कचहरी में पीछे पीछे आओ। बंदर स्वयं छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है। दूसरे बंदर की कबारी। बंदर ही मेज पर बैठा है रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्ली मेज सामने इधर उधर खड़ी है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोले तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली पहले ही रोटी को देखी और रोटी पूरा हक में बनता है। बंदर काली बिल्ली तो बोले तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली सीमान पहले झपट कर रोटी लेने से इस पर रोटी पर मेरा ही पूरा हक है। बंदर सफ़ेद बिल्ली में आँख में देखती या दो आँखों में। सफ़ेद बिल्ली दो आँखों में दोनों आँखों से पेज में क्या बंदर काली बिल्ली के टांग में झपट से दोनों टांगों से। काली बिल्ली दो टांगों से दोनों टांगों से। बंदर तुम दोनों क्या था वह बात ही दोनों बिल्लियाँ कहीं नहीं कोई कहीं ना कहाँ। बंदर बात बराबर मेरा फैसला है कि रोटी तोड़कर तुम्हें बराबर दो बांट दो। बंदर में उसमें नीचे तराजू निकल कर आता है दो हिस्सों में तो कपड़ों को रखते उठाता है। एक कपड़ा एक पल्ला नीचे रहता है दूसरा ऊपर। यहाँ टुकड़ा कुछ भारी निकला इसमें इसे थोड़ा खाकर हल्का कर पीतराजू उठाते हैं। अब पहला अपना मोरा और दूसरा नीचे। बंदर अब यहाँ टुकड़ा भारी निकला सच को थोड़ा खाकर करो फिर तराजू उठाते हैं। अब पहला अपना नीचे ही गया दूसरा का। बंदर अब यहाँ टुकड़ा भारी निकला टुकड़े से कितने कोटे एक दूसरे को चुटा देते मैं ही लगाऊँ मुँह बकैया बराबर करते करते तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बंदर की वाला की पता चलता है हाथ वाला थी बड़ी तैसे एक दूसरे के देखते हुए। सफ़ेद बिल्ली आप थक गए हो अपना उठाए और तराजू। काली बिल्ली बच्चा कुच्चा उसको दे दो हम वापस बांट लेंगे। बंदर नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी मैं झगड़ोगी कौन
को ही काट देती हूँ, बच्चा कुछ भी खा लेती हूँ। इतना कहकर बच्चों कुछ रोटी भी बंदर खा जाता है, तरज लेकर भाग जाता है। बिल्ली आपस में झगड़ा करके बैठी, बुद्धि कुटी आपस चलने की, क्या होता बंदर छपरा रोटी तो लेखा हरी वंशराय ने तृतीय पाठ का बंदर बाट के कहानी में दो बिल्लियों के बारे में लिखा है, कैसे रोटी के लिए झगड़ रहे हैं। तो पहले लेखक बोलते हैं, दो लड़कियां बिल्ली, दो काली बिल्ली और सफेद बिल्ली की ड्रेस लेकर वो दोनों ही कर सकते हैं, बंदर का बिल्ली का कपड़ा कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है मैं आपको सारा पढ़ता लूँ, सारा सुना देती हूँ। कमरे से बीच में एक मेज था, मेज जिस पर पड़ा है उसे आगे से ढका था, मेज पर एक रोटी टुकड़ा था। काली बिल्ली आई और सफेद बिल्ली आई। काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते, सफेद बिल्ली को बोलती रहती है। काली बिल्ली अच्छी हो, पूछता है सफेद बिल्ली, हाँ क्या अच्छी, मुझे भूख लगी है, मेरे को भूख लगे। सफेद बिल्ली कहेंगे बना, इसमें मेरे वासना आ रही है इसमें जे रोटी की तरह। सफेद बिल्ली बोलते हैं मुझे भी। तो काली बिल्ली हाँ मेरी नाक भी बताते, मेज पर एक रोटी ढका था इधर छवि में देखिए। तो काली बिल्ली तू डर मत, डरता था ना, मैं जाकर ले जाता हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली का भागी जाती है, रोटी लेकर आ जाती है। तो काली बिल्ली रोटी तेरी कैसे, तेरी लेकर चला जाता है, क्यों नहीं मेरी है ना, मैं देखा था पहले मेरी होता है। अच्छा क्या तुम खुद देखती हो ना, मैंने ये तो हाँ मेरी दो आँखें थे, मैं पहले देखा था, मैं आँखें नहीं है नहीं, मैं जा सफ़ेद कहीं की भाग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली झगड़ा रहती रहती, काली बिल्ली देख कर मेरी हट जा बोली, वो बोलते मेरे दे दो, मैं पहले लाया ऐसे बोलते, बोले पहले दौड़ दौड़ को लेकर पहले उसका मेरा है, बोलते मैं पहले देखा मेरा है। काली बिल्ली मैं कहीं तू रोटी मेरी, ऐसे दोनों में झगड़ा होती है। देखिए दोनों में झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर बंदर क्यों तुम दोनों झगड़ा पूछता है, इसीलिए ना बोला ठीक है तुम आओ। बंदर दोनों को चुनकर रोटी ऊपर हाथ में लेकर जाकर मेज पर रखता है रोटी पर। ठीक है क्या बोलो तुम, क्या कहना है। सफल सीमान पहले मेरी ऐसे मेरी बंदर, बंदर काली बिल्ली बोलो तुम क्या होता है। काली बिल्ली सीमान पहले जाती है रोटी मेरी ऐसे रोटी मेरा क्या पूरा। बंदर बोला ठीक है तुम दोनों को बोलो तुमको क्या कहना। सफेद बिल्ली सीमान पहले मैंने देखा रोटी देखी और रोटी पूरा हो के। बंदर काली बिल्ली क्या बोले तुम्हें क्या बोला नहीं सीमान, पहले मैं झपट कर रोटी को ले आया मेरा होके। बंदर सफ़ेद बिल्ली आंखों में से देखी ये दिया, दो आंखों में देख, सफ़ेद बिल्ली दो आंखों में ही मैं देखा था। बंदर काली बिल्ली एक रोटी झपट कर दो आगे से, काली बिल्ली दो टांगों से, दो टांगों से। बंदर तुम दोनों का था गवाह भी, दोनों बिल्लियाँ कहीं नहीं, कोई भी नहीं था। बंदर बात बराबर, मैं तेरे नीचे से तोड़ बीच से रोटी तोड़ देता हूँ, धर्म कटा ले जाता हूँ, आधा आधा उसे निकल कर लाता है। इसे से अगर दोनों ही पहले रखा था, ये एक पकड़ा कैसे रहता है दूसरा ऊपर। यहाँ टुकड़ा कुछ भारी है और कुछ कमी है, फिर तरह जुड़ता रहे, पहले बड़े बड़ा होता है छोटा रहता है। बंदर अब टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ, फिर तरह जुड़ता है, पहला बढ़ता है गया दूसरा ऊपर गया, अब यहाँ टुकड़े ले गया, टुकड़े किसको दूसरे को निकलने के लिए हुए गया। बराबर करते करते तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। दूर का चला की पता चला कैसे बराबर होगा, बोली वो टुकड़ा खाता 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 खाते सभी क्यों खा ले, उसको दो हाथ में आपस पकड़ लिया, नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े कोई काट लेता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ, इसीलिए वो सभी वो खा लिया। दोनों बिल्ली आपस में झगड़ा करके बैठी, बुद्धि अपनी कोटी पछता नहीं होता, बंदर पकड़ लिया रोटी। बंदर उनका क्या पैसा लगाया, वो खाते 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 वजन कर कर पूरी तरह वो खा लिया। तो तृतीय का क्या था आठ पाठ कहानी का शीर्षक बंदर बाट का कहानी, और उसका कुछ सारांश मैंने समझा दिया, अब उसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। प्रश्नोत्तर अभ्यास क्या लिखा है, लड़ाई झगड़ा दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़ा का बड़ा क्या है, उनके झगड़े को हल कैसे लगाया गया। तो झगड़ा का क्या है, रोटी एक, रोटी एक रोटी का टुकड़ा, उनके झगड़ा का हल कैसे निकला, अंदर फैसला करते 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 खा गया। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, भाई बहन के
साथ झगड़ते समय तुम क्या क्या झगड़ते समय क्या क्या करते हो, उसके बाल पकड़ती हूँ। पिता जी करते हैं झूले, तो एक दूसरे को मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते, मिलने पर बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। इसी इन लोगों से मिलने पर क्या कहते हो, तुम्हारी सहेली या दोस्त को क्या कहते हो, तुम्हारी शिक्षक, तुम्हारी दादी, तुम्हारी लड़ी, तुम इन लोगों से मिलकर क्या कहते हो, तुम्हारे सहेली और दोस्तों से क्या, तो क्या दिखाया वो मुलाकात, तो क्या बोलते हो, हाथ हाँ अला बोलते हो, तुम्हारी शिक्षक से नमस्ते, तुम्हारी दादी से चरण स्पर्श कर, तुम्हारी भाई बहन से नमस्ते करते हो। अब पता लगाओ तुम्हारा साथ करके कितने अलग अलग घर को नमस्ते करते हैं, अब पता लगाओ इसको दीजिए। खुद ही आप लोग बच्चों करो, तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तुम्हारे रात में रोटी किससे मिलना चाहिए थी, किसने थी, दोनों को बराबर, तो रोटी दोनों को बराबर चाहिए थी, बराबर चाहिए थी। अन्य बिल्लियों से यहाँ सवाल क्यों पूछा, उन्होंने रोटी एक आँखों से देखी थी या दोनों आँखों से, एक आँखों से देखी थी या दोनों आँखों से देखी थी, सवाल से ऐसे सवाल पूछ के बंदर उनका साथ पूरा नहीं करेगा। बंदर बाट कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है, बराबर बराबर बांटने वालों को कहते हैं। तुम नाटक में क्या क्या चाहोगी, दो को झगड़े में तीसरे को नाम, जो शीर्षक तुमने दिया उसमें सोच का कारण बताओ। बिल्लियाँ रोटी झगड़ने का कारण, माप माप तोल बंदर रोटी बराबर मापतोल करने के लिए तराजू इस्तेमाल किया, तराजू का इस्तेमाल चलने के लिए कहते हैं, नीचे दो गई तो किस चीज़ों को तोल कर खरीदा जाता है, बोलो क्या तरजा जाता है, बोलो इधर तरबूज संतरा और क्या चावल और क्या किन किन चीज़ें बोलकर खरीदा जाता है, तो ये होता है क्या, वो तराजू मचला उतर चटपट में कर देती हूँ बच्चों। तोलते वालों का क्या है, जाने वालों का चीज जाती है और दूसरे में तोलने में बाट में लड़त जाती है, उतर बाट लेने का पीतल बना देता है, बांध तोले को वजन किलोग्राम में होती है, फल सब वजन में होती है, चावल भी क्या तरबूज चावल ये सब इसमें होते हैं, नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोल कर ये चीज़ों को तोल कर किया जाता है। और साबुन सुगंध जूते पॉलिश ये सब खरीदा जाता है।
पेट्रोल पाउडर पर सुनने से दुर्गंध आती है। तोलने वक्त एक पलने वाली वर्वक चीज रखी जाती है और दूसरे को तोलने के लिए घाट बाट की धातु चीज का बनना होती है। 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम ऐसे में तोला जाता है। तो दूसरी वजन जाता है, वजन किलोग्राम या ग्राम बताया जाता है। पता करो वजन निकलो किलोग्राम या ग्राम बटे मिलते हैं। सब्जी चाट तुम दुकान कर सकते हो। तो क्या है 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 50 ग्राम। वह क्या तुम देखते हो? किन किन चीज़ों के पकने महक खच्ची आता है? महक क्या किन किन चीज़ों में आता है? राजमा, शाही पनीर और किन किन चीज़ों का महक आती है खाने के लिए? जैसे साबुन सुगंध पहले से आती है। क्या बोलो? पेट्रोल की गंध, पाउडर फेस वॉश और क्या, सब्जी दुर्गंध आगे पीछे। तो मेरे को रोटी बन जाती है ये बाकियों की तरह, देखते हो मुझे रोटी की मह खा जाती है, मुझे रोटी मिल जाए। तुम भी इसी तरह नीचे दी बाकियों को आगे पीछे खिलाओ। इसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी निकली। तो रखी मेज, मैं भी उसी खोज में निकली। उत्तर मैं भी उसी खोज में निकली। रखी भेज पर वो कैसी रोटी? वो रोटी और भेज पर रखी रोटी, रखी मेज पर ही वो रोटी। तो क्या बोलने हैं? रखी मेज पर वो रोटी, उत्तर वो रोटी मेज पर रखी है। मेज पर रखी है, मेज पर रखी है। तो दूसरी पेज में पढ़ती थी उस तक जाने में, उत्तर डरती थी, उस तक जाने में। तो लिख रहे हैं क्या? उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे दूंगा, जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है, जो पहले देखा उसका रोटी पर हक है। पहले देखा उसका रोटी पर हक। ये बोलो, ये दूसरी क्वेश्चन। मैं जो जाने तुझे नहीं दूंगी, तो क्या जो पहले देखे तो मैं तुझे नहीं लेना। जो हम लिखे क्या? मैं सर थोड़ा रॉन्ग हो गया, भी नीचे वाला आंसर लगते हो। मैं तुझे आप लिखोगी नहीं ले जाने दूंगी,
एक और बंटवारा। अगले दिन ही दोनों मिलियों के एक साथ तरबूज मिला। दिनों ने सब सुने तरबूज कैसे बांटा जाए। तभी बंदर आ गया। आगे क्या होगा बोलो? तरबूज मेरे पास लाओ, बराबर करूँगा, बराबर बांटूंगा। बिल्लियों को, बिल्लियों को समझदारी दारी आ गई। तृतीय कक्षा का आठ पाठ कहानी का शीर्षक बंदर पाठ का पूरी तरह पाठ न समझा दिए हूँ सारांश और उसकी प्रश्न उत्तर लिख कर आपको बोल कर भी समझा दी हूँ, अभ्यास कर दी हूँ। तो बच्चों ये लेखक मजेदार कहानी है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। तो कोई नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न तो मेरे कमेंट में जरूर लिखिए। तो बच्चों मेरी वीडियो कैसे देखते रहिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं आपको दूसरी वीडियो में मुलाकात करती हूँ बच्चों, धन्यवाद।